आप सबको स्वागत है न्यू लॉन्ग ब्लॉग पे गाइस। तो आज हम लोग आए रथ यात्रा पे, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा पे आए हम लोग। यहाँ पे मेरे फ्रेंड लोग भी आए, देख सकते हो। यहाँ पे सभी भक्त लोग रथ यात्रा पे जाने के लिए सभी भक्त लोग आ चुके हैं। हजारों भक्त यहाँ पे दर्शन के लिए आ चुके हैं। जगन्नाथ जी को यहाँ पे रथ पे बिठाने के लिए यहाँ पे उठाया जा रहा है, देख सकते हो। गाड़ी से यहाँ से निकाल के रथ पे डालेंगे, रखेंगे जगन्नाथ जी को। दरअसल जगन्नाथ रथ यात्रा के पीछे बहुत सारी कहानियां प्रचलित है। उनमें से एक है कि जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उड़ीसा पे, वो हिंदुओं के मंदिरों में चार धाम में से एक है, जो भगवान विष्णु के रूप में श्री कृष्ण को समर्पित किया गया है। और श्री कृष्ण जगन्नाथ रूप में पूरी मंदिर में विराजते हैं। एक दिन उनकी छोटी बहन सुभद्रा उनसे कहती है कि उन्हें द्वारिका घूमना है, तो वो भी सड़क मार्ग से। तो उनके सम्मान करते हुए कृष्ण जी मना नहीं करते हुए तो यात्रा के लिए हाँ कर देते। तो उनके बलराम भाई उनके दोनों की बातें सुन रहे होते हैं। तो बलराम जी कहते हैं कि मैं तुम लोगों को मार्गदर्शन करूंगा। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ आपके बिना तो हमारा कोई भी मार्ग सफल ही नहीं होगा। तो तीनों भाई बहन मिलके वहाँ से यात्रा करने की तैयारी करते, इसलिए हम लोग रथ यात्रा की तैयारी करते हैं। और बहुत सारी कहानियां इनके पीछे, उनमें से ये एक है। तो हम लोग अभी रथ यात्रा हम लोग का निकल चुका है गाइस। देख सकते सभी लोग झूमते हुए कृष्ण की धुन में मग्न होते हुए डांस करते हुए। तो यहाँ पे निकल चुके हम लोगों का यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा निकल चुका है। यहाँ पे देख सकते सभी लोग हरे कृष्ण करते हुए हम लोग रथ की रथ यात्रा की ओर बढ़ रहे हैं। सभी लोग चाहता है कि जगन्नाथ रथ यात्रा पे जो भी शामिल होता है उनके सारे दुख जगन्नाथ जी हर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इस पे ज्वाइन जरूर हुए होंगे। तो जगन्नाथ जी के दर्शन पाने के लिए हर कोई उत्साहित है। रथ यात्रा पे चले हुए शाम हो चुका है। हम लोग तीन बजे से निकले थे, तो अभी बज चुका है 6 बजे, 6:30 बज चुके। हम लोग 3 बजे से निकले, तो यहाँ पे देख सकते अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं लोग, रस्ते से ही ज्वाइन कर रहे हैं हम लोगों को यहाँ पे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय। सब फ्रेंड लोग बहुत ही हैप्पी है। हमें अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, सुकून लगा, सुकून लगा। जगन्नाथ पहुँच गए, ऐसा लगा कि उन्होंने स्वर्ग पा लिया, स्वयं उन्होंने स्वर्ग पा लिया, ऐसा फील हो रहा है। Yeah!
जगन्नाथ जी के मंदिर जहाँ पे वो विराजेंगे 7 दिन के लिए। तो 7 दिन के बाद वहाँ इनको यहाँ से ले जाएंगे रिटर्न मंदिर की ओर। तो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए जगन्नाथ जी यहाँ पे विराजेंगे। जगन्नाथ जी को रथ से उतारा जा रहा है, उनको 7 दिनों के लिए मंदिर पे विराजमान किया जाएगा यहाँ पे इस मंदिर पे। तो यहाँ पे मंदिर रथ से निकाला जा रहा है उनको मंदिर पे विराजमान करने के लिए। तो यहाँ पे सभी लोग आने के साथ यहाँ पे जगन्नाथ जी के पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे सभी लोग भोजन ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ पे रहते हो वहाँ पर रथ यात्रा कैसा गया गाइस कमेंट पे जरूर लिखिएगा। और जय जगन्नाथ इतना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय गाइस। देख सकते हो रथ यात्रा करने के बाद हमें यहाँ पे प्यार से नंद